आपका सुपर फास्ट 100 में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रतलाम से बड़ी खबर। रतलाम में जिला अस्पताल बना जंग का मैदान, दो पक्ष आपस में भिड़ गए जमकर। इस दौरान लाठी डंडे चले, जमीन के विवाद में पहले थाने पहुंचे थे दोनों पक्ष। मेडिकल के दौरान अस्पताल में भिड़े दोनों पक्ष, मारपीट के दौरान पुलिस वीडियो बनाती रही। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर दिया। तो रतलाम में जिला अस्पताल बना जंग का मैदान, दो पक्ष आपस में भिड़ गए जमकर। इस दौरान लाठी डंडे चले, जमीन के विवाद में पहले थाने पहुंचे थे दोनों पक्ष। मेडिकल के दौरान अस्पताल में दोनों पक्ष भिड़ गए, मारपीट के दौरान पुलिस वीडियो बनाती रही और पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया। ये देखिए किस तरीके से दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दरअसल पहले ही विवाद हुआ था, विवाद थाने तक भी पहुंचा। मारपीट के दौरान मेडिकल करवाने के लिए ये दोनों पक्ष अस्पताल आए हुए थे और यहाँ पर भी नहीं रुके, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, संवाददाता सुधीर जैन जुड़ गए। सुधीर, विवाद के बाद मेडिकल करवाने अस्पताल पहुंचे थे और यहाँ पर भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, पुलिस क्या कर रही थी? हम देख पा रहे हैं कि वीडियो ही बना रही थी पुलिस। हेलो जी सुधीर, हम देख रहे हैं जिला अस्पताल जंग का मैदान बन चुका है, दो पक्ष आपस में यहाँ पर भिड़ गए, पूरा मामला बताइए। देखिए, सबसे पहले एक पक्ष पहुंचा था माणक चौक थाने में मारपीट की शिकायत लेकर, और इसी बात को लेकर जो है फरियादी को लेकर जो है पुलिस पहुंची थी जिला अस्पताल में। वही मौका देख के दूसरा पक्ष भी आ गया और आपने खुद ने देखा कि वीडियो के अंदर कैसे दोनों ही पक्ष आमने सामने होके जो है जिला अस्पताल जंग का मैदान बन गया है। जिसके हाथ में जो भी चीज लगी जिला अस्पताल की, वो उसे लेके एक दूसरे के ऊपर भिड़ गया। और आप खुद देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे जो है जिला अस्पताल में तोड़फोड़ यहाँ पे हुई है। करीब एक दर्जन लोग आपस में ही जो है यहाँ पे मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो पास खड़े किसी शख्स ने बना लिया और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में माणक चौक पुलिस और स्टेशन रोड थाना पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई है। CMHO जो है उन्होंने भी इस पूरे मामले में स्टेशन रोड थाने पर शिकायत दी है। अब देखना यह है कि जो आरोपी है उसमें से इनकी गिरफ्तारी कैसे होती है, किस तरह पुलिस इन्हें पकड़ती है। वही जो पुलिस है वो वीडियो के आधार पर दूसरे आरोपियों को भी इसमें जो है उसकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के सामने ही आरोपी जो है दे दनादन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो है पुलिस वहां पर उनका वीडियो बनाने के सिवा पुलिस के पास कोई चारा नहीं रहता। यानी समझ सकते हैं कि खौफ आरोपियों के जहन में पुलिस का बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो कोई खौफ नहीं, वो तो साफ तौर पर देखा जा रहा है और पुलिस भी यहाँ पर तमाशबीन बनी रही, दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश नहीं की, जो हाथ में आया उसी से मारपीट करने लगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है रतलाम से, जहाँ पर दो पक्ष मेडिकल करवाने पहुँचे थे, मारपीट हो गई और यहाँ पर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो स्टाफ था वहाँ पर उनको ही इन्हें रोकने की जहमत उठानी पड़ी। मुरैना में रेत माफिया का कहर देखने को मिला, बाइक सवार पिता पुत्र को रेत माफियाओं ने रौंद दिया। बेटी की मौत हुई, पिता गंभीर रूप से घायल हुआ है, गंभीर हालत में पिता को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। मौके पर पहुंचे मृतक के भतीजे से भी मारपीट की गई, रेत माफिया से मारपीट में भतीजा घायल हुआ। सिविल लाइन के सिकरौदा नहर के पास की पूरी घटना बताई गई है। बड़ी खबर, जहाँ मुरैना में रेत माफिया का कहर देखा गया, बाइक सवार पिता पुत्र को रौंद दिया रेत माफिया ने और इस दौरान बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल भर्ती किया गया, जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर मृतक के भतीजे से भी मारपीट की गई और रेत माफिया से मारपीट में भतीजा भी घायल हुआ है। सिविल लाइन के सिकरौदा नहर के पास की ये पूरी घटना, संवाददाता अमित जुड़ गया। अमित, रेत माफिया का कहर इतना कि पहले तो बाइक सवार को कुचला और उसके बाद भतीजे से भी मारपीट की गई, क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले हर दूसरे दिन यानी कि रेत माफियाओं की कुछ ना कुछ घटनाएं या फिर रेत का अवैध उत्खनन करते हुए सामने आती है। लेकिन अब आज देखा गया है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकरौदा नहर के पास यानी कि नेशनल हाईवे 44 पर रेत माफिया तेज रफ्तार में अपने ट्रैक्टर को लेकर के आ रहे थे। इस दौरान जो अपने गाँव से शहर यानी कि मुरैना पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिता पुत्र बाइक से जा रहे थे, इस दौरान रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। इस दौरान जो पिता पुत्र
थे उसमें से बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और जो पिता था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद जो मृतक का भतीजा है वो मौके पर पहुंचा। उसके बाद जो माफिया थे इतने बौखलाए हुए थे कि उन्होंने जो भतीजा था उसके साथ भी जमकर के मारपीट कर दी है। उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी के लिए। तो अब जिला अस्पताल भतीजे को भी भर्ती किया गया है, पिता की भी हालत गंभीर है, बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मार्च, आप पार्टी का बीजेपी मुख्यालय तक मार्च होगा, जहां दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को रोका, केजरीवाल और पुलिस के बीच बहस हुई, बीजेपी दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान काफी धक्कमुक्की के आसार भी बनते हुए नजर आए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मार्च निकाला, जहां आप पार्टी का बीजेपी मुख्यालय तक मार्च हुआ, दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को रोका, केजरीवाल और पुलिस के बीच बहस हो गई, बीजेपी दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब केजरीवाल बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे और साथ में जो अन्य मंत्री हैं वो भी मौके पर मौजूद रहे, जैसे कि आप देख पाएंगे आतिशी भी मौके पर मौजूद रही। और इस दौरान काफी हंगामे के असर, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये घेराव करने पहुंचे थे और इस दौरान काफी बहस की स्थिति बनी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेटिंग कर दी गई। और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत ने स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल को घेरा। कंगना के मुताबिक पूरी घटना ने केजरीवाल की महिला विरोध सोच को सामने ला दिया है। हाल ही में दिल्ली में स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ एक सीएम हाउस के अंदर दुर्व्यवहार हुआ, शिकायत उसकी हुई, अरविंद केजरीवाल के पीए को अरेस्ट कर लिया गया है और आम आदमी पार्टी कहती है सब कुछ बीजेपी ने करवाया है, इसको आप कैसे देखती हैं? एक तरह से एक स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है वहाँ का राजा होता है, यू नो वो उसके प्रजा होते हैं और वो लोग उनके जो भी जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनकी रक्षा करना वो उसका कर्तव्य होता है। और आप जो है इतनी बड़ी वायलेशन कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, एक वुमन का जो है शोषण कर रहे हैं, उनके प्रताड़ित कर रहे हैं और स्पेशली वो एक अपने पीरियड्स पे है, तो मैं तो कहूँगी कि ये जो पूरा मुझे वाक्य है ना याद आता है जो महाभारत में जैसे द्रौपदी को जो है व्हेन शी वाज ऑन हर पीरियड्स एंड शी वाज ड्रैग्ड, शी वाज बीटन, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। और चलिए अब देखेंगे सुपर फास्ट खबरें तेज अंदाज में।